मेरा ताल्लुक जो है वो एक बहुत बैकग्राउंड एरिया से है। 2020 में मैंने अपनी बीएससी कंप्लीट की गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बोरेवाला से। एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रहा था तो कुछ ना कुछ अपने एक्सपेंस वगैरह उठाने थे, तो मेरे एक कज़न है, उन्होंने मुझे बताया कि मतलब इस तरह अमेज़ॉन का बहुत स्कोप है आजकल, अदारा है एनेबलर्स जो लोगों को अनेबल करता है ई कॉमर्स के लिए। इनकी वेबसाइट विज़िट की तो मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि मैं प्राइवेट लेबल करूं या होलसेल करूं। तो मुझे जो सबसे अच्छा मॉडल था वो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का लगा। फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने अपने जो है तीसरे दिन ही प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास के मैंने सेल कर दी थी 21,000। मेरी मंथली अर्निंग जो है $1,000 है इस टाइम। कुछ लोग जो होते हैं वो तो ड्यूरिंग लर्निंग ही अपनी जो अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर तो बंदा लगातार मेहनत करता रहता है तो इंशाल्लाह 6 मंथ में आप जो अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एनेबलर्स के साथ मुंसलिक हैं और ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं। हम इनसे एक बहुत ही ख़ास सवाल करने वाले हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग जो बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगती है और बहुत सारे लोगों के लिए एक चैलेंज बना हुआ है, इसको आसान कैसे किया जा सकता है, वो कौन से स्टेप्स हैं जिसमें अगर प्रोडक्ट हंटिंग को डिवाइड किया जाए तो प्रोडक्ट हंटिंग सब लोगों के लिए आसान हो सकती है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल अकरम साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप ई कॉमर्स की तरफ कैसे गए और ख़ास तौर पे प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं कि ये मुश्किल काम आपने आसान कैसे किया अपने लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एट कासिम मलेशिया फाउंडेशन। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक जो है वो एक बहुत बैकग्राउंड एरिया से है। बूरेवाला के बहुत, यानी कि बूरेवाला हमारी तहसील है, उससे बहुत दूर जो है ना हमारा एक गाँव है, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। ठीक है। तो मैंने अपनी बीएससी की 2020 में, 2020 में मैंने अपनी बीएससी कंप्लीट की गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बोरेवाला से। तो देन मैंने एमएससी के लिए मूव करना था तो लाहौर या मुल्तान, तो मुल्तान नज़दीक था तो फिर मैंने वहाँ पे मूव किया। तो फिर मुझे कुछ ना कुछ साथ करना था, एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रहा था तो कुछ ना कुछ अपने एक्सपेंस वगैरह उठाने थे, तो मतलब मेरे घर के हालात ऐसे ही थे। तो फिर मैंने, मेरे एक कज़न है, उन्होंने मुझे बताया कि मतलब इस तरह अमेज़ॉन का बहुत स्कोप है आजकल, तो एक अदारा है एनेबलर्स जो लोगों को अनेबल करता है ई कॉमर्स के लिए। तो फिर मैंने वहाँ पे देखे इनके मॉडल, इनकी वेबसाइट विज़िट की, तो मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि मैं प्राइवेट लेबल करूँ या होलसेल करूँ या ड्रॉप शिपिंग। तो फिर मुझे जो सबसे अच्छा मॉडल था वो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का लगा, तो मैंने फिर इसे चूज़ किया और अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट इनरोल करवाया। एक मंथ तक तो मैं पहले वैसे ग्रुप में रह गया, यानी कि मैं काम कर भी सकता हूँ या नहीं। तो फिर मैंने इनरोल करवाया वहाँ पे, जो फर्स्ट क्लास थी वो हमारी 26 अक्टूबर 2020 को मुल्तान में। मेंटर हमारे सर उमर तारक साहब, बहुत कोऑपरेटिव है माशाल्लाह, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ। तो फर्स्ट क्लास के बाद जब पहले तो हवा ना होती है पहली क्लास में, तो सर प्रोडक्ट हंटिंग की जो सेकेंड क्लास थी हमारी, तो प्रोडक्ट हंटिंग की सेकेंड क्लास लेने के बाद मैंने आके टूल्स वगैरह परचेज़ किए हॉस्टल में। तो मैंने ठीक 2 दिन बाद, तीसरे दिन मैंने अपने प्रोडक्ट जो है वो निकाल के उसके स्टैट्स ग्रुप में पोस्ट किए, तो उसमें बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स आए और लोग आए कि मुझे, हमें यानी कि सेल करने हैं प्रोडक्ट। तो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने अपने जो है तीसरे दिन ही प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास के मैंने सेल कर दी थी 21,000। तो उसके बाद मैंने कुछ प्रोजेक्ट जो फ्री ऑफ कॉस्ट किए लोगों के साथ अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए 2-3, तो उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किए थे प्रोजेक्ट्स, जिनका काम किया था, तो उन्होंने मुझे फिर हायर कर लिया। जिन 2 लोग हैं जिनके अकाउंट हैं, एक होलसेल का अकाउंट है यूके का मेरे पास और एक यूएसए का है अमेज़न एफपीओ। सर वर्चुअल असिस्टेंट के काम को अगर हम स्टेप्स में डिवाइड करें तो उसमें पहले स्टेप में क्या चीज़ें आएंगी, सेकेंड में क्या आएंगी और थर्ड में क्या आएंगी? सबसे पहले जो स्टेप 1 है, तो उसमें हमने अकाउंट क्रिएशन कर लिया है, ठीक है। देन हमने सेकंड स्टेप की तरफ जाना है प्रोडक्ट हंटिंग, और उसके बाद हमें प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है। प्रोडक्ट सोर्सिंग होगी, ये 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। देन हमने, हमारा जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है लिस्टिंग, जो मेन स्टेप है हमारे।
तो एक वर्चुअल असिस्टेंट के लिए यही मेन स्टेप होते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में लोगों को थोड़ा सा बताएं, जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं या जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनको प्रोडक्ट हंटिंग में बहुत सारी मुश्किलात पेश करनी पड़ती हैं, तो आप बताएं कि वो किस तरह से अपने आप को डेवलप करें और किस तरह से इस पर काम करें। सर, प्रोडक्ट हंटिंग के बाद यहाँ पर ये सब कोई मुश्किल, जो मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ग्रुप में या लोग कर रहे होते हैं तो वो भी इसी के रिलेटेड होते हैं कि हमें कोई यूनिक आइडिया बताएं प्रोडक्ट हंटिंग का। तो इसमें ये है कि एक टूल है अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर, तो आप उसको जो है वो इंस्टॉल करें उसका क्रोम, तो उस में आप ट्राई करें। वो जैसे आप सर्च बार में कोई भी वर्ड लिखेंगे, कोई भी कीवर्ड लिखेंगे तो वो आपको बहुत सारे आइडियाज़ क्रिएट कर देगा, तो इंशाल्लाह उसमें आपको फ़ायदा होगा। और इसके अलावा जैसे हम कीवर्ड सर्च की तरफ आप जाएं, जहाँ पे आप कीवर्ड सर्च करेंगे जैसे सेरिब्रो में एसन कॉपी करें, वहाँ पे कीवर्ड सर्च करेंगे तो बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ आपको वहाँ से मिल जाएंगे कीवर्ड्स के। सर, एक वर्चुअल असिस्टेंट कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करता है? वर्चुअल असिस्टेंट सर जो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो सबसे पहले तो GS है, जंगल स्काउट, देन हीलियम 10 है, वायरल लाउंज है, और उसके बाद जो हम होलसेल मॉडल में करते हैं वो है कीपा, उसको हम होलसेल मॉडल की प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ करें, और उसके साथ हम मैनुअल हंटिंग भी करते हैं इसकी होलसेल के लिए। सर, ई कॉमर्स के अंदर जब आप आए तो सबसे मुश्किल काम आपको कौन सा लगा? सर, सबसे मुश्किल काम जो सबको लगता है वही मुझे लगा, जो कि प्रोडक्ट हंटिंग है। तो लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मतलब मैं एक दफ़ा स्टक हो गया था जब मुझे समझ नहीं आई बिल्कुल, क्लास में जब मैं देख रहा था तो मुझे कोई टूल्स वगैरह जो है ना वो रन करने भी नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने घर आया, मैंने यूट्यूब से एक वीडियो देखी सर असाद अमजद की, तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में अपनी विनिंग प्रोडक्ट निकाल ली थी। सर, आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है? सर, मेरी मंथली अर्निंग जो है $1,000 है इस टाइम, और इससे प्लस भी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इनेबलर्स का एनवायरनमेंट ओवरऑल आपको कैसा लगा और वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको गाइड किया? सर, इनेबलर्स का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसमें मेरे मेंटोर हैं सबसे पहले तो उमर तारिक साहब, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ, और यहाँ पे भी स्टाक होते थे वो हेल्प आउट करते हैं, बहुत अच्छे पर्सन हैं फील्ड के अलावा भी। तो इसके अलावा कासिम अली शाह साहब की और साकिब अज़र साहब की कई एक वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखी, तो उस वजह से फिर मैं इस साइड पे आया, इन्होंने मुझे यानी इंस्पायरेशन मिली वहाँ से मुझे। सर, एक बंदा जो आज ये सोचता है कि मैंने ई कॉमर्स की फील्ड में जाना है, तो अभी उसके सोचने से लेके और उसका वो जो काम स्टार्ट करेगा वहाँ से लेके अर्निंग के फेज तक पहुँचने में कितना अर्सा रिक्वायर्ड है? सर, कुछ लोग जो होते हैं वो तो ड्यूरिंग लर्निंग ही अपनी जो अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों को जो है अगर तो बंदा लगातार मेहनत करता रहता है तो इंशाल्लाह तकरीबन 4 से 5 मंथ 6 मंथ में आप जो अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि कोई भी दुनिया की डिग्री आप कर रहे हैं 5 साल की 6 साल की आपको इतनी अर्निंग नहीं देगी जितनी कि आप इसमें 6 मंथ मेहनत करके आप कमा सकते हैं। सर, जो स्टूडेंट्स ई कॉमर्स में आना चाहते हैं या वैसे भी जो डिफरेंट डिग्रीज कर रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे? उनके लिए सर यही पैगाम है कि आप किसी भी फील्ड में आए, चाहे आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप फ्रीलांसर, तो किसी भी फील्ड में सर सबसे पहले तो ये फार्मूला जो मैंने खुद अप्लाई किया, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया अपने लर्निंग के दौरान, सर सबसे पहले तो अल्लाह पाक पे तवक्कल रखें। सेकंड जो स्टेप है उसमें ये है कि आप हार्ड वर्क करें, देन बी पेशेंट, और उसके बाद सब्र करें, इंशाल्लाह आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा। अच्छा, हमारे यहाँ लोगों का एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नहीं है, उस पर आप क्या कहेंगे? सर, वी हैव नीड टू चेंज द माइंडसेट्स ऑफ आवर पेरेंट्स एंड आवर यूथ, हमें अपने पेरेंट्स की और यूथ का माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को भी सेमिनार्स वगैरह अरेंज करने चाहिए डिफरेंट सिटीज़ में, छोटे बड़े शहरों में। तो सर, हम MSc कर लेते हैं, 16 साल किताबें पढ़ते हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट वही होता है कि हमने एम्प्लॉय बनना है, नौकरी बनना है। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो 90% जो है वो आपका बिजनेस में है रिज़्क, और 10% जो है वो आपका है तो अदर सोर्सेज में। तो हमारी 80% जो लोग हैं वो उसी 10% में फॉल कर रहे होते हैं, 20% उस 80% में फॉल कर रहे होते हैं। तो हमें चेंज करना माइंडसेट, केमिस्ट्री चेंज करनी है लोगों के माइंड की, हमारे पेरेंट्स की, हमारी यूथ की, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं तो उनकी केमिस्ट्री चेंज करने की ज़रूरत है, कि एंटरप्रेन्योर बनेंगे आप तो जॉब्स क्रिएट होंगी, लोग आएंगे, और अगर एक एंटरप्रेन्योर बनता तो कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी, तो इंशाल्लाह अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो जाएगी। सर, साकिब अज़र साहब का एक विजन है, वो चाहते हैं कि लोगों को इनेबल किया जाए, उनके काम को, उनकी ज़ात को आप कैसे देखते हैं?
साकिब अदर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, तो मुल्तान सेमिनार में हमसे मिला भी था, बहुत अच्छी, तो बिल्कुल बहुत अच्छा विजन है उनका, वो अपना विजन लेके चले इंशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। तो लोगों को चाहिए उनकी बात सुने, सेमिनार्स अटेंड करें और इंशाल्लाह मेहनत करें, इंशाल्लाह वन डे यू विल बी सक्सेस। बहुत शुक्रिया बिलाल अकरम साहब आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स और ख़ास तौर पर प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।